पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली दुबहिया ग्राम के पास 18 मार्च की सुबह NH 39 में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई थी। दुर्घटना का शिकार हुए युवक का सिर धड़ से अलग पाया गया था। शव छत विछत अवस्था में पाया गया था। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव की शिनाख्त करवाई गई, जिसके बाद पता चला कि युवक पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खजूरी कुड़ार गांव का निवासी था, जिसका नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था और 17 मार्च को घर से कोर्ट पेशी के लिए गया था, जहां परिजनों ने बताए अनुसार लड़की पक्ष के वकीलों ने जबरन पैसे मांगने पर विवाद किया और मारपीट भी की गई, जिसके बाद परिजन हरिजन थाना पहुंचे और FIR करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भगा दिया। वहीं 18 मार्च की सुबह युवक का छत विछत हालत में शव देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में NH 39 सड़क मार्ग में दुबहिया गांव के पास मिला, लेकिन मौके पर कोई वाहन न मिला और न ही घटना करने वाला वाहन जब्त हुआ। मौके पर सिर्फ युवक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और उनके घर खजूरी भिजवा दिया। उसके बाद युवक के घर पुलिस ने कड़ा पहरा जमा लिया और पुलिस के द्वारा शव अंतिम संस्कार बनवाने का दबाव बनाया गया, जिससे परिजन दहशत में हैं और वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। 16 तारीख को हमारे भाई की पेशी थी, तभी वकीलों के द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद हमारे भाई गायब था। फिर इसके बाद हमें सुबह पता चला कि भाई का मर्डर हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ से देवेंद्र नगर थाना पहुँचे, फिर वहाँ पे हमें बॉडी दे दी गई। उनने बोला कि ले जाओ, और हमने फिर यहाँ घर आ के देखा तो बॉडी की हालत बहुत ख़राब थी। उसके मतलब एक भी कपड़े अपड़े कुछ भी नहीं थे। फिर हमने PM भी उसका नहीं हुआ और यहाँ की पूरी पुलिस बोल रही है इसका अंतिम संस्कार कर दो। क्या कारण है जो पुलिस दबाव बना रही है कि अंतिम संस्कार कर दो? तो कुछ को दबाव है या कुछ दिक्कत है, क्या थी परेशानी? सर, वकीलों का हाथ हो सकता है। गिरजा शंकर शुक्ला और श्रीभान पटेल, उन्हीं के द्वारा मारपीट की गई थी। नहीं तो बॉडी अब आप लोग क्या चाहते हैं, मांग क्या है आपकी? सर, PM करवाया जाए और हमें गिरजा शंकर और श्रीभान को गिरफ्तार किया जाए। कितना समय हो गया बॉडी को यहाँ रखे? सर, 24 घंटे। अगर मान लीजिए अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे? तो सर, हम रखे रहेंगे ऐसे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। क्या चाहती हैं आप? सर, हमें न्याय चाहिए। PM चाहिए और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? प्रीति वर्मा। अच्छा, ये बताइए कि मरने के पहले कुछ फोन आया था? मरने के बाद हाँ, चाचा के पास फोन आया था, चाचा हमें जान का खतरा है, आप हमें लेवा ले जाओ। ये घटना हुआ सर कि लड़के का फोन मेरे पास गया है 7:12 पे घर में, तो मेरी बात हुई है कि चाचा तुम मेरे को ढाबा लेने आ जाओ। वो ये नहीं बताया कि कौन ढाबा में हूँ मैं, तो उसने ये बताया कि ढाबा लेने आ जाओ और मुझे खतरा है। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ 2 कॉल लगाया तो फ़ोन की घंटी जा रही थी और 3rd कॉल में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया सर। बाद में फिर सुबह पता चला सर, वही 12 बजे हमको पता चला है, ताकि नीरे के हम वहाँ, हमारा गाँव है वो, तो वहाँ में 12 बजे पता चला है कि हमारी बीवी रोती चली जा रही थी कि वो गुड्डा का मंडल हो गया है। फिर वहाँ से हम घर जा रहे थे तो फिर वापस लौट के देवेंद्र नगर आए। देवेंद्र नगर गए तो वहाँ कह रहे थे लोग बाग कि ये इसका पोस्टमार्टम हो गया है। हमने वहाँ कहा कि पोस्टमार्टम भाई, बिना उसके आदमी के कोई आदमी उसका घर का सदस्य नहीं, कैसे पोस्टमार्टम हो गया? तो उनने कहा कि नहीं, हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बच्चा गायब हुआ था, तो आप लोगों ने मामला अपना दर्ज नहीं कराया पुलिस में? जानकारी सर कराया है, किया ही नहीं है। कहाँ गए थे आप मामला? ये पन्ना गए थे। अच्छा, भाई हमारे बड़े भाई साहब। कौन से थाने गए थे? हरजन थाने गए थे और ये जो ये है सिविल लाइन है, वहाँ भी गए थे। बहुत प्रताल सर, हम गरीब आदमी, हमारी गरीबों की सुनाई कहाँ है? कौन कर रहा है गरीबों की सुनाई? कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, बॉडी जलाने के लिए क्यों कह रहा प्रशासन? बॉडी जलाने के लिए प्रशासन से कह रहा है कि जान प्रशासन का खुद हाथ है उसमें। वहीं इस पूरे मामले पर पन्ना SDOP का कहना है कि मामले की परिजनों को शव का पोस्टमार्टम न होने की शंका है, इसलिए PM करवाया जा रहा है और परिजनों के बयान और शिकायत के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल एक अज्ञात युवक के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रोड पे लाश मिली हुई थी, जिसका सर कुचला हुआ था बीच रोड पे। देवेंद्र नगर थाने द्वारा मौके पर पहुंच करके मर्ग कायम करके उसका PM करवाया गया। फिर उसके अज्ञात व्यक्ति के फोटो खींच करके उसमें सोशल मीडिया पर डालने के उपरांत जब पता चला कि यहाँ के परिजन चौकी पहुँचे थे, उन्हों को बताया गया कि आप उस डेड बॉडी को पहचान लें। यहाँ के व्यक्तियों द्वारा उसकी पहचान की गई, उसकी माँ बहन पिता द्वारा, ये वही व्यक्ति है।
तो वहाँ उसका पीएम कराने, क्योंकि पूर्व में अननोन पर्सन था, अज्ञात था, तो उसका पैनल द्वारा पीएम करा लिया गया था और डाइटम टेस्ट और उसके लिए डीएनए के लिए उसकी जो प्रिजर्व हड्डी कर ली गई थी, ठीक है, डॉक्टरों द्वारा उसका जो सर में चोट लगने से, क्षतिग्रस्त होने से उसका मृत्यु का रीजन कारण वही बताया गया था। फिर उसके बाद परिजनों को डेड बॉडी यहाँ सपोर्ट कर दी गई थी। परिजनों को इसमें यह शंका हुई कि हमारे सामने उसका पीएम नहीं कराया जाए, वो इस बेस पे उनका लोगों का या उनका जो भी कहने का था उनसे भी कहा कि दोबारा पीएम कराना चाहते थे, इसके लिए शासन प्रशासन भी उसके लिए तत्पर था, रात्रि वक्त होने से उसका पीएम नहीं हो सका है। आज वो उनका जो कहना है कि इसका पीएम कराया जाए और हमें जो शंका है या इनका जो पूर्व में विवाद वकीलों से हुआ था, तो हम प्रशासन और पुलिस प्रशासन और शासन में कहना है कि आप उसका जो भी तथ्य जो है, जो आपको शंका है उसके लिए आइए आवेदन दे दें, उन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर री पीएम करा करके जांच करके उन बिंदुओं पर जैसी जो पाया जाता है वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।